चुनाव आते ही आदर्श आचार संहिता शब्द सुनने को काफी जगह मिलता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने हाल ही में दो राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर 2024 को विधानसभा की 81 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। खैर, हम बात कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता की। जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं अपराजिता पांडे आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही झारखंड और महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है और इसके क्या नियम कायदे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 वर्ष में होते, अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू ही रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज आदि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा। निर्वाचन के आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो आयोग की पूर्व अनुमति ली जाएगी। कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी आधिकारिक चर्चा हेतु राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन संबंधी अधिकारी को नहीं बुला सकता। इसका एकमात्र अपवाद तभी होगा जब कोई मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी होने के नाते या कोई मुख्यमंत्री कानून एवं व्यवस्था के असफल हो जाने या प्राकृतिक आपदा या किसी आपातकाल में ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र का आधिकारिक दौरा करते हैं जिसमें अधीक्षण, मदद, राहत और इसी प्रकार के विशेष प्रयोजनार्थ ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।